ने वैसे मोटे मोटा सारे बिंदुओं को छू लिया, लेकिन इससे पहले कि हम कोई और मुद्दा छेड़ें, मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि हमारा मिशन कुछ और था। बाद में पता लगा कि जिस मिशन की तरफ हम गए थे वो तो समाज का एक हिस्सा था, क्योंकि कई बार आदमी को ये अहंकार हो जाता है, और या ये कह लो कि उसको भ्रम हो जाता है कि जणू तू बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, तो सारे देश ने बदल देगा, और फिर पता लग गया तो ना तो बेरा ही क्या ही का नहीं था जब उसके थोड़े से टाइम बीत जाए। हमारा सौभाग्य ये है कि कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला जहाँ हमारे को थोड़ी अकल जल्दी आ गई, और ये पता लग गया कि कुछ निधर क्रांति क्रांतिकारी बनन में असली जो बदलाव है वो एक आदमी या एक संगठन नहीं ले सकता। जिनके लिए बदलाव है अगर उनका बात समझ में नहीं आवे तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आप लोगों के बीच आए। सरकारी टीचर हुआ करता था मैं, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, और बच्चे की साइकोलॉजी पे मेरी रिसर्च थी। मैं मां बाप को यह सिखाया करता था कि आपको बच्चे कैसे पालने चाहिए, मतलब इस बात पे चर्चा किया करता था, और जब कोई पूछता तो मैं ये कहता भाई अपने यहां अपने देश में मछली पालन के ट्रेनिंग सेंटर हैं, घोड़ा पालने के, गाय पालने के, कुत्ते पालने के, सुअर पालन के भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन औलाद कैसे पालनी है इस पर कोई चर्चा नहीं है। है जी, मानस का बच्चा क्यों कर पालना है इस पर कोई चर्चा नहीं होती, बस ऊँ हो पैदा हम मन खाइए, और न्यूए पड़े न्यू सोचा जुकर मारे पड़े थे न्यू ही पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ से कह देता जब उस टाइम पे मेरा बच्चा छोटा था जब बेटा, मखा माँ इस तरह यह बात ना कह, अगर इस तरह न्यू कह दिया अगर तो पट दे सी मेरी माँ, मैंने न्यू कह दी पांच पाड़ रखे मने ना सिखावे भाई तने एक शब्द पाड़ लिए, क्योंकि उस टाइम पे पाड़न वाली तू एकली कौन थी, सारा कुंडबा लाग का पाड़ा करता चेक थोड़ा या ज्यादा, लेकिन हर आदमी का, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होया करती कट्ठी फैमिली। उस टाइम की बात है कि जिस टाइम पे मैं पैदा होया तो मेरे फादर साहब के बारे में ये बात है कि मेरा पापा मैंने गोदी नहीं ठाया करे था, लोगों ने बात करी उस टाइम पे मगर भाई वो गोदी क्यों नहीं ठाया करे था, तो कुछ लोगों ने कहा शर्म आया करती उन्हें। मैं इसकी गहराई में गया और इसके पीछे अपने बुजुर्गों का इतना जबरदस्त ज्ञान मिला मुझे कि बाप नहीं उठाता था लेकिन चाचे ताऊ सारे खिलाया करते, फिर जब उसका छोटा भाई है उसके बालक ने वो नहीं ठावेगा वो बाकी के सारे ठावेंगे, जब उन्हें शर्म आन दी तो फिर सारे के बालक ठाण मानी चाहिए थी। लेकिन उसका भाव क्या था, उसका भाव यह था कि यो बालक बेशक मेरे नाम का हो पर यू सब का साजला है, यो बालक बेशक इसके भाई के नाम का हो मित के लेकिन यू सब का साजला है। यो ज्ञान दिया करते मारे बुजुर्ग, कह अगर बालक तो सबके साजले हुए हैं, जुगर छोरी ने न्यू कहा अगर भाई छोरी सबते गांव की साजली हो है। इतनी बड़ी सोच होया करती उनकी, और उस सोच के चलते अगर गांव में किसी के एक बालक में कुछ खराबी आ गई तो बैठ के बुढ़े चर्चा करा कर दे भाई नूरनू गात ठीक नहीं है या, और जिस दिन से बुढ़ों ने इस बात के ऊपर चर्चा खत्म करी उस दिन के बाद से समाज बर्बाद होना शुरू होया। अरे चर्चा कद होनी शुरू हुई अगर आपके ध्यान होया, चर्चा कद होनी बंद हुई कि किसी का बालक बिगड़ गया उसके ऊपर चर्चा बंद होनी जब शुरू हुई, जिस टाइम पे दीवारों पे बड़े बड़े नारे लगा कर दे बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, और बुढ़ापा पेंशन चालू हुई। जिस दिन से बुढ़े को बुढ़ापा पेंशन की जरूरत पड़ने लगी उदंत समाज बर्बाद होना शुरू होया, वृद्धाश्रमा की शुरुआत हुई, मतलब उसने बाप ने व औलाद न्यू पाली थी कि वो पिलसना के भरोसे पालेगा फिर उन्हें, या शुरुआत वहां से करी, और ये प्लानिंग के तहत हुई। कदे आपने न्यू लागता होगी या न्यूए होगी थी, क्योंकि इस समाज का अंग्रेज आए मुगल आए पुर्तगाली आए कोई डच आए को पता नहीं कौन कौन आया, गड़ंगड़ लो आलंगड़ कौन कौन आया,
आज तक इस समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया जो ये नॉर्थ इंडिया का जो समाज है, क्योंकि यहां की सबसे बड़ी मजबूत दूरी आ कर दी परिवार, फिर बगड़ पड़ोस गांव, गांव ने एक परिवार माना करते, लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ा करते, कोई बाहर का आदमी की हिम्मत नहीं हुआ करते, डंगवारा दिया करते, काम कट्ठे मिलकर करा करते, गांव का कोई आदमी भूखा नहीं मरा करे था, चाहे कोई भी काम धंधा ना करता हो, हर बच्चे को काम करने के लिए स्पेस था, चाहे कोई पढ़ रहा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे किसाए हो। और इस परिवार को तोड़ने के सिलसिले में छोटा परिवार बनाना, बुजुर्गों को अलग से पेंशन देना, और फिर उसके बाद पढ़ाई के नाम पर औलाद को घर से बाहर भेजना। आज जिसने भी अपना बच्चा पढ़ने खातर गांव में बाहर भेजा था, आज तक वो बालक उल्टा नहीं आ लिया, शरीर बेशक उल्टा आ गया हो, दिमाग और आत्मा नहीं आई है उसकी उल्टी, वह ओड़ी छोड़ आया हो, मानते हो गे ये बेसगर मरंदा हो, पर आपकी गिल बात हुआ कौन करता, जुकर कराया करता, आपने तोड़ा उसको अपनी जमीन से, या बड़ी पीढ़ी की गलती हो है? अगर मैं कोई गलती करूं ना तो यह मेरे ऊपर लगी गलती है, और जब मेरी औलाद कोई गलती करेगी तो मैं अपने बच्चे को हमेशा एक बात बोलता हूं कि बेटा कितनी है बड़ी गलती कराइए, कितना है बड़ा जुल्म कराइए, तेरी गलती नहीं होगी, मेरी गलती है, क्योंकि मैं तुझे वो संस्कार नहीं दे पाया, क्योंकि मैं तुझे वो माहौल नहीं दे पाया जिससे कि तू ये समझ सके कि गलत क्या है और सही क्या है समाज में। तो मैं जब माँ बाप को ये कहता था, वो परिचय वाला किस्सा रह गया कि भाई बच्चों को ऐसे पालना पोसना चाहिए, तो वो नु कहा करते तेरा औलाद होगी जब देखांगे। उस टाइम तो मैं पढ़िया करता, थोड़ा बालक सा था, अपने औलाद होगी, वह प्री मच्योर होगी, सातवा सतमासा हो गया मेरा, डॉक्टर कहन लागे इसे इसे बालक तो बीमार रहा करें। मैं बोला भाई बीमार रहा करें, और बोला मेरा नहीं दिमाग भी ठीक से पूरा डेवलप होगा कि नहीं, विकसित होगा कि नहीं, मगर कोई बात नहीं भाई जिसा होगा देख लेंगे। भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया, 5 साल की उम्र में जिस बच्चे को वो डॉक्टर ये कहते थे कि यो बीमार रहा करेगा, पहली बात तो मैं आपने बता दूं, पिछले 9 साल में मेरे छोरे ने कोई टेबलेट कोई गोली नहीं लिया एलोपैथी की आज तक, मन 26 साल हो गए कोई भी टेबलेट लिए हुए, हमारे परिवार में कोई एलोपैथी की दवाई नहीं आती। और वो बालक जिसने न्यू कहा करते इसका दिमाग पूरा विकसित नहीं हुआ है, उसने 5 साल की उम्र में पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, 5 साल की उम्र में 1000 तक तो पहाड़े याद थे उसके, ह्यूमन अनाटमी, रामायण, महाभारत, यूनिवर्सल, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड के जितने भी इन किताबों के अंदर था। और बड़ी बात, 7 साल की उम्र में 10वीं तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करके दे दिया था, 5वीं क्लास में 10वीं वाले ने पढ़ाया करता, वो 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली, इंग्लिश मैथ साइबर साइंस चारों ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 1 बिना कितनी तैयारी स्पेशल तैयारी के, 200 से ऊपर मेडल्स एंड ट्रॉफी, स्केटिंग का स्टेट चैंपियन, चेस का स्टेट चैंपियन, लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन, यूनिक सिर्फ पढ़ने पढ़ने में, मतलब इतनी लंबी लिस्ट थी उसकी। और मैं जब न्यू कहने लग गया लोग आते हैं, जब उस टाइम पे जब उसके अखबार में टेलीविजन में आया, मखा देखो यू एक ने तो कर दिया, न्यू बोला इसका बाबू भी इंटेलिजेंट था, तने के न्यारा कर दिया, अरे यू अच्छा कलेश होया। फिर अपने दोस्तों के बच्चों पे काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया भी तेरे बालक में यू खासियत है, जो कर मैं भी इससे पूछू था, मगा यू पूरा ड्रामेबाज है ना, एक बाबू न्यू बोला कति फुल, मैं इतने मोटे मोटे आंसू गिरा करे बरा, हाँ अब मेरे तक उनसे आज तक कोई बात तो नहीं हुई इसके बारे में, सिर्फ मैंने इसकी 2 बात सुनी और मेरे को क्लियर हो गया कि यू उस कैटेगरी में आवे बाड़ा कर, इसका इस टाइप कब है, यू एक चीज पे कतई नहीं टिक सकता जिंदगी में, नहीं टिकता होगा ना, इब ये करना है, इब ये करना, मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरी कोई केयर नहीं करता, मैं मतलब सेंटर में, इसका मतलब क्या है, इसका व्यवहार अगर मैंने 2 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में पहचान लिया, तो अगर जब माँ बाप ने बेरा होगी क्यों करे है, और उसका असल मतलब क्या है, और उसके अंदर असली टैलेंट क्या है, तो हो गया, आप रास्ता दिखा सको हो ना उस बच्चे ने, इसका असली टैलेंट फैशन डिजाइनिंग,
कैमरा, वीडियो, फिल्म, ये है कि नहीं? ठीक है, फैशन इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का स्टफ है यू पूरा, एक्टर हीरो, नेचुरल एक्टर है यू, इस पर ड्रामा कितना करा लो थे। लेकिन अपने परिवार अगर ऐसे बच्चे में या लड़की होती तो अपन यू कहते कि नेचुरल है इसके अंदर, आप इसको एक काम पे नहीं बिठा सकते, आप एक सिलेबस नहीं करवा सकते, एक गेम नहीं करा सकते, एक चीज नहीं करा सकते, तो फिर उसका तरीका क्या होगा? अगर सही तरीके से करवाया जाए तो इस बच्चे की जिंदगी टॉप पे लेके जा सके, और नहीं तो सारी उम्र ही अपने माँ बाप की न्यू सुनेगा, तेरे पे एक चीज पे नहीं काम करा जावे टिक, अगला बने ही नहीं एक चीज पे काम करने खातर, क्यों धक्के थे उसने एक चीज पे बांधो हो, अगले ना आनंद ही जब आवा थोड़ी बार में अगला हो ले बोर। तो अब इस चीज को माँ बाप को समझाएं कैसे, ये समझाएं के लिए बड़ी साइंस है, अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए मैंने इस चीज को समझने में। माँ बाप को मैं समझाता इस बच्चे को इस लाइन पे लगाओ, उन्होंने कुछ ने कुदरती उनके घर में माहौल था, कुछ ने मेरी बात सुनकर, उस टाइम खूब टेलीविजन पे टॉप के बच्चे आए थे, वो गंजा सा बच्चा आया था गूगल बॉय कौटिल्य पंडित कौंड से, जानवी आई थी लड़की 14 भाषाएं बोलती है, 17 साल की हुआ इस टाइम PhD में दाखला लेने लग रही है, और दुनिया मतलब खूब टेलीविजन पर रोज चला करता कोई ना कोई बालक आया करता, उस टाइम की बात है 2012 में मेरा बच्चा आया था, 13 में ये आए थे। जब यो बात कही मैंने लोगा तो भाई ये बालक है, तो लोग कह लगे इन्हें भी बालक के परमात्मा ने इसे बना रखे थे, मारे नखद हैं भाई, मारे वाले निकम्मे हैं। मैं बोलू निकम्मा नहीं होता कोई, कुदरत ने एक गुण देकर भेज रखा हुआ है खास, अगर वो गुण तो पोषित हो गया तो बढ़िया भाई, मान लो एक बीज है, अगर वो यहां की मिट्टी का और यहां के पेड़ का बीज है, यहां की वनस्पति का बीज है, तो आड़े घेर दोगे तो वो जाम जाएगा, पहाड़ी मिट्टी का बीज आड़े घेरोगे तो जाम में कोनी ना, उसके अनुकूल वातावरण ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे यू बीज खराब था, बीज खराब नहीं है, आपके माहौल उसकी उसके फलने फूलने के लिए अनुकूल नहीं है। तो कोई भी बीज बड़ा तब बनेगा या कोई भी फल तब देने लगेगा, समाज के लिए उपयोगी कोई बच्चा तब होगा जब उसको वो माहौल दिया जाए जैसा उसको दिमाग दे रखा, जैसे उसके दिमाग में बीज दे रखा। इसलिए 2015 में हमने ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में एक चैलेंज दिया पूरे समाज को कि एक स्कूल में तो एक बालक लेऊंगा, उस स्कूल का सब तन निकम्मा और निखट्टू बालक जिन्हें थमकन दे वो लेऊंगा और तैयार करांगे, फिर दिखाऊंगा तुमने इस बालक में के था। एक साल हमारे पास 18 बच्चों ने पूरा साल रहे, पूरा सेशन लगाया, एक साल के बाद 18 के 18 बच्चे, याद रखिए एक दो नहीं, 18 के 18 बच्चे जो अपने अपने स्कूलों के सब डफर बच्चे थे, 18 के 18 ने 3 सब मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 100 में 100 नंबर लिए, अपने सारे ने स्कूल टॉप करे, या थी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी। हमने फिर पूछा समाज तय कि मान लो आपके सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर आने लग जाओ, फिर कित लेके जाओगे भाई? नंबरों के बेस पे तो कुछ नहीं होगा ना, क्यों जी? नंबर थोड़ी बताएंगे कि ये बच्चा कितना टैलेंटेड है, तो नंबर के बेस पे आदमी के दिमाग का बच्चे के टैलेंट का आकलन करना ही गलत है। ये बात समझाने के लिए मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में था बंद करके और चला गांव 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 के लोगों को समझाने के लिए। शुरू में तो जब मैं गया गामा में हमारे एरिए में ताश खेल दे पा कर चुपाड़ा में बनी में कितने भी बैठे हूँ, जाके मैं कंधा माता हूँ 2 मिनट बात सुनिए, ताऊ इन देख के मेरे कहना भाई छोरे के बेचण आया है, वो क्यों बैग सा होंदा, ताऊ कुछ बेचण कौन आया, मैं एक बात करण आया हूँ, उन्हें सुन लो। किसकी बात? मैं कहा बालका के ऊपर। किसके बालका की? मैं तारे मारे सबके बालका की। भाई तने के फायदा होगा, मैं की बताऊं, मैं तो नया नया लिकड़िया था, मने के फायदा होगा मेरा बड़क न्यू भाई, ये बालक आड़ा तो मैं तैयार कर रहा सिर्फ अमीरा के बालक,
दो तीन महीने पढ़ाने की मेरी फीस 5 लाख रुपये होया कर दी। अब इतनी मोटी फीस गांव का आम आदमी तो दे नहीं सकता। एक अपॉइंटमेंट एक बच्चे का टैलेंट बताने का मैं 1.5 लाख रुपये फीस ले, उस टाइम पे 1,20,000 रुपये लिया करता, तो गांव का आदमी तो दे नहीं सकता। दे देगा तो एक या दो दे देगा, सारा गांव तो देगा। मैं नहीं सोचूं कि अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो अगली पीढ़ी पर काम करना पड़ेगा, और अगली पीढ़ी पर काम करने खातर माँ बाप समझाने पड़ेंगे, और माँ बाप तक समझाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो जाके बताना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर गांव में तो नशेड़ी बालका की एक पोत तैयार होगी तो वह नशेड़ी मेरा ही बालक ने भी तो मारेंगे, मेरा कब तक सुरक्षित रहेगा? जय आड़े दुखी लोग हैं, बंदूक लिया तलवार लिया खड़े पाओगे तो मारा बालक कब से सुरक्षित चला जाओगा? पर वो मेरा फितूर था, अग जमा न्यू कर देंगे। मारी गया गामा गामा जाके रुके, किसे का कुछ समझ में आया, किसे का कुछ समझ में आया। अपन एक डीलिंग रखी, मगा एक काम करो, जब अपने बालक खातर फायदा चाहते हो तो पूरी फीस दे के चंडीगढ़ आओ, और जब गांव खातर तैयार करते हो तो मने गांव के नौजवान बालक दे दो। सिर्फ जो बालक तम न्यू कंधे हो ना, ये ठाली पड़े हैं गांव में, किसी काम के नहीं है, वही दे दो भाई। मैं तारा तो किसी काम के नहीं, उन मैं सिखा लूंगा या विद्या, मैं बता दूंगा उनके पास क्या टैलेंट है, वो उस टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने गांव की अगली पीढ़ी पर काम कर लो। जय अगर आपके सबते गांव के सारे बड़का पे वो जो 5-4 नौजवान 10 नौजवान काम करने लग गए तो गांव उन्हें इज्जत और रोटी तो दे सके। 500-500 रुपये मिला के ना 1,000-1,000 रुपये मिला के भाई तारी रोटी का इंतजाम गांव करेगा, तमने टेंशन नहीं, तम इन बड़का काम कर सके कि नहीं कर सकता भाई। लेकिन यह बात तो जब करेगा ना, जब गांव के बात समझ में आ जावे, आधी बात समझ में आवे आधी नहीं आवे। हमने रिसर्च करनी शुरू करी फिर, क्योंकि आंकड़े देने थे मैंने गांव वालों को। 4,000 जिस गांव की जनसंख्या है उस गांव में जब रिसर्च करी तो पता लगा 1,350 बच्चा गांव में पढ़ने शहर जावे, 1,350, और पूरे गांव में 53 लाख रुपया 4-5 स्कूल के मालिका का जावे, 53 लाख साल का हो गया 6 करोड़। मैंने हिसाब लगाया उस गांव का पूरा, मगर पिछले 6 साल में लगभग 30 करोड़ रुपया गांव ने उन स्कूल के मालिका तक पूछ दिया। और मैंने गांव में पूछा भाई इस 30 करोड़ रुपये में गांव ने हासिल के होया, पता लग गया जी 3 नौकरी मिली 30 करोड़ में, सारे गांव में 3 तो नौकरी सरकारी मिली, और प्राइवेट धंधे में कोई 8-10 बालक गए होंगे कितने, नहीं तो बाकी सारे कोई पेट्रोल पंप पर लाग रहा, कोई पार्किंग में लाग रहा, कोई कितने 8,000 की, कोई फैक्ट्री में 10,000 की, फिर ये कोई अपना काम धंधा शुरू करे तो सारा काम डूब जा। आपके गांव का लालो ही साहब, साल में कितनी की नौकरी है और साल में कितने की बढ़िया पोजीशन पे है, इसका मतलब जो उन प्राइवेट स्कूला का पूजन लाग रहे हो मैं के काम की है भाई। ये बालक बैठे ये पटकाए प्राइवेट स्कूला में बढ़िया बढ़िया मैं फीस दे के ने, समाज के पास जगह देने के लिए जगह नहीं, मान लो फिर ये बाट देखेंगे बाबू एक किला बेच के बाहर बेच दे है, बार भी इतने जाली है कि बोड़ा भी भैयाड़ा काम हो रहा, उड़ते भी उल्टे खदेड़न लाग रहे हैं, फिर के काम करे भाई। और जिस स्कूल में उनका चाचा पढ़ रहा है भतीजा भी ओड़ी पढ़न लाग रहा, और माँ बाप उम्मीद कर रहे कि जड़ा चाचे ने जगह नहीं मिलेगा भतीजा ने कड़ा मिलेगी भाई। यो काम बार का कोई आदमी कौन कर सकता जी, एक तो बात यह समझनी पड़ेगी, ना तो किसी नेता ने को ठेका ले रखा, और ना किसी देवेंद्र बलारा ने ले रखा, ना किसी सुनील ने ले रखा, ना इन्हें किसी ने ले रखा। हाँ इस गांव के बारे में अगर कोई काम कर सके तो इस गांव का मानस कर सके। अगर बाहर का कोई आदमी मेरे जैसा आके न्यू कहे ना कि मेरा साथ दो और मैं इस गांव के लिए काम करूंगा, न्यू समझ लिए वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ना तो इतना टाइम दे सके कोई बाहर का आदमी, और जब कोई देवेगा तो वापस बदले में कुछ न कुछ लेवेगा। आपका गांव है, आपके बच्चे हैं, बर्बादी आपकी है, चीज समझ कर ठीक आपने करना पड़ेगा। विचार करने तक तो ठीक है, इसको हम बौद्धिक विलासता बोलते हैं, बौद्धिक विलासता के लिए तो ठीक है यहां बैठ के चर्चा कर ली, खूब बढ़िया बढ़िया भाषण दे लिए, लेकिन बदलाव भाषणों से नहीं होगा, बदलाव के लिए करना पड़ेगा। खेती पे भी काम करना पड़ेगा, बड़का की पोत पे भी काम करना पड़ेगा, बड़का की पढ़ाई पे भी करना पड़ेगा, उनकी सेहत पे भी करना पड़ेगा, रसोई पे भी करना पड़ेगा, गांव में आचरण पे भी करना पड़ेगा,
बातचीत के तरीके पे भी करना पड़ेगा, और फिर अपने अपने बच्चों को व्यवसाय कहां लगाना उस पर भी करना पड़ेगा, चर्चा भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, बर्बाद होने में 50 साल लगे हैं, 50 साल। हरित क्रांति के नाम पर जब पेस्टिसाइड देने शुरू करे ना सरकार ने, तो सब्सिडी देनी शुरू करी थी। जो भी चीज सरकार फ्री में देवे है ना, और आपके घर आके देवे है, नू समझ लो वह नाश किराई है आपकी, सीधा सीधा तरीका है। जब आपका कोई प्रॉब्लम फंस जावे, हमारा बालक बीमार हो जावे, धक्के खांदे खांदे अस्पताल में चक्कर कट कट पागल हो जाए, कोई जगह नहीं देता, मारे लाइसेंस में कोई नाम गलत हो जावे, ठीक करने खातर ढीठ आ जाए, थोड़ा जाके ना चक्कर काटते काटते, लेकिन आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड घर आ की जोड़े है, कैंसर हो रहा है, घर तो ही बिक गया, जमीन तक बिक गई अगले आदमी की, नाश हो लिया, लेकिन एक ऐसी बीमारी का टिक्का घर आए की देवे है, जिसके बारे में हमने डाउट, उस खातर धक्का कर रहे। और न्यू नहीं कह रहे कि शरीर ठीक रहेगा, न्यू कह रहे तमने बस में नहीं चढ़ने देवा, रेल में नहीं चढ़ने देवा, टिकट नहीं मिला, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, पिल्सन नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिला, हाजरी नहीं ला सकते, आड़े नहीं आ सकते, पूजा स्थल पर नहीं जा सकते, कितने और नहीं जा सकते, सार्वजनिक स्थल पर रेल में नहीं चढ़ सकते, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उस टाइम समझ में कौन आई ना कि जो खेल के चल रहा है। आपको एक चीज बता दे, यो आधार कार्ड है ना, ये आपकी बर्बादी का दस्तावेज है। ये जिस दिन से आधार कार्ड आया है उस दिन तक लाइन टूटी हो तो बता दो, क्यों जी लाइन में खड़े हो दिन के, जिस दिन का आधार कार्ड आया है, और शुभ दिन ही आन दे, अरे वोटर कार्ड आ गया आधार की गेल जोड़न का, आपका वोटर कार्ड, आपका पेंशन वाला कार्ड, बैंक का खाता, आपकी गाड़ी की आरसी, घर की रजिस्ट्री, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, आईटीआर, पैन नंबर, जितने दस्तावेज हैं सारे के सारे आधार कार्ड के साथ जोड़े जा रहे हैं। फैमिली आईडी बनाई जा रही है कि पूरे परिवार का एक बटन दाब के न्यू बेरा लाग जा कि भाई इसके संजय के कौन से बालक है, देविंदर के कितने बालक कितने हैं, ऊपर फैमिली में कितने हैं। फिर क्या करना इन्हें है, जुकर ईब कहे थे ना कि अगर जब वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको इधर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, इधर नहीं जाने दिया जाएगा, आने वाले टाइम में अगर आपको ये कह दे कि तेरे घर में इस फलाने मानस का वैक्सीन कौन लाग रही, लुआ का, उसके बाद खुलेगा इस सारी सेवाएं तेरी। फिर क्योंकि कई लोग न्यू पूछा कर दे, जब हमने करना शुरू करा, इसके ऊपर बोलना शुरू करा कि भाई यह सरकार क्यों कर रही है, मैं बोला कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। बोला न्यू कुकर, मगर एक आदमी गुलाम बनाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, उसकी रोटी काबू कर लो बस, जिसके हाथ में आपकी रोटी आप उसके गुलाम। जमींदार आज तक काबू क्यों नहीं आया, क्योंकि जमींदार पे अपनी रोटी है, अपनी उगा लेगा, अपनी खा लेगा, थोड़ी जमीन हो थोड़ी में सब्जी बोलेगा, अपनी इसी कराओ भाई, कोई आपने ठेका नहीं कीजिएगा। लेकिन आज के टाइम तो 99% किसाना की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंक में गिरवी पड़ी, इधर से तो जमीन गिरवी, उधर से बच्चे की नौकरी नहीं होनी मिलनी, उधर से खर्चे इतने कर देंगे खेती के अंदर, वे सुनील वाली बात, बीज से लेकर कटाई तक इतने खर्चे हैं कि ढीठ आ जावे किसान के, आमदनी के नाम पर ढक्का नहीं मिला है, जाओगे तो मंडी में कोई उस पर दाम नहीं मिला है, तो मतलब खेती घाटे का सौदा। बालक जब बिजनेस करने लग गए, दुकान खोल ले छोटी सी, दुकान पे तो उसका सामान 2000 का आया बाजार में, तो 2000 तक कहला गया, 2000 तक कम का तो नहीं बेच सकता वो, लेकिन वही चीज आप ऑनलाइन जाओगे तो, क्योंकि अंबानी अडानी के 1000 करोड़ 10000 करोड़ माफ हो जावे तो 2000 का सामान 1800 में भी दे सके, तो मारे बालक की तो दुकान बर्बाद और उनकी दुकान चलेगी। तो बालक जब उस जमींदार अपने बालक की दुकान खुलवा होगा, वह दुकान नहीं चालन देगी सरकार। उसके बाद आपको अनाप शनाप ऐसे ही ऐसे केमिकल आपके शरीर में डाल देंगे बचपन से लेकर के, कि आप सारी जिंदगी ठीक नहीं रह सकते, सारी उम्र ड्रग माफिया के गुलाम बने रहोगे। और जब
जब पैसा जेब में नहीं रहेगा तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देंगे लालच। छोटे बच्चे के एडमिशन के लिए आधार जरूरी, बड़े बच्चे को बेरोजगारी है उसको रोजगार करने के लिए आधार भी चाहिए, फैमिली आईडी भी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए दूसरी डोज का। क्यों जी, चालू कर दिया। अच्छा, और सारे काम खातर ये सारे के सारे दस्तावेज चाहिए। अभी गैस की पाइपलाइन आपके गांव में नहीं आई है, लेकिन सिलेंडर छोटे हो जाएंगे, रोज रोज ठा के नहीं जा सकते, तो आपने को अगर गैस आड़ी सस्ती पड़ा है, जो अगर पेट्रोल डीजल तक आपका मोह बंद करने के लिए सीएनजी लिया, सीएनजी भी बराबर कर दी, इबका हाइड्रोजन वाली लियाओ, इलेक्ट्रिक वाली लियाओ, लाई जाओ, पैसे आपके काम नहीं आनी चाहिए। ना मिस्त्री काम कर पाओगा, ना दुकानदार काम कर पाओगा, ना खेती वाला काम कर पाओगा, ना व्यापारी, कोई कोई नहीं करेगा। तो धीरे 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 आपका सारा कुछ खत्म। जमीन खेत वाली थी काबू कर ली लोन लेके ने, अब उसके बाद आपके घर लाल डोरा तोड़ का आपका घर भी की रजिस्ट्री कर दी, और जिस जिसने रजिस्ट्री करवा ली और उसने फोन नंबर दे रखा है, आपके पास रेगुलर फोन आएगा, घर पे भी लोन ले लो, डांगरा पे भी ले लो, नलके पे भी ले लो, बेड पे भी ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो, लोन लोन को चुकाने लायक आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको लोन जरूर बांटा जाएगा। लोन भी दे दिए, चुकाने का ही ब्योत नहीं। अच्छा, फिर सोचेगा भाई गांव वाले खड़े हो जाओगे, लड़ लेंगे तो फिर क्यों कर बचेंगे, भाई सामूहिक जमीन पड़ी, अपने बालकन अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, अपना खेत में बोलेंगे, अपना जोड़ में पानी पियाओगे, अपना छुट्टी स्थिति कराओ, दुनियादारी कौन बढ़ा, क्यों कर लोगे। जोड़ श्यामलात इकट्ठी जो पंचायत की जमीन है उसकी भी रजिस्ट्री सरकार अपने नाम करवा के इंतकाल लाग रही है करने, तो गांव के पास अपनी जमीन भी नहीं बची, जमींदार पे भी नहीं बची जमीन, घर भी नहीं बचा, बालक के ऊपर आपका हक नहीं रहा, डांगरा आप एक तफालतू डांगर रखोगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, जोड़ में पानी पियाओगे तो जोकर गाड़ी में फास्टैग के पैसे कटाए, न्यू कान्ना पे फास्टैग लाग रहे हैं उन तक पैसे कटा करेंगे, आपका गैस का कनेक्शन आपका ऊपरता होगा, पानी का कनेक्शन ऊपरता होगा, आपके पास ना सामूहिक जोड़ बच रहे, ना आप लड़का ला सकते। समरसिबल का कानून आ लिया है, 10,000 रुपये समरसिबल के साल का 10,000 रुपये देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स आ लिया है, 100 गज की कोठी का 1,00,000 रुपया साल का टैक्स है, 100 गज की कोठी जिन्हें बना रखी 500 गज में देख लियो, हिसाब ला लियो। मैं यह बता रहा हूं आपको, और ये बकायदा कानून बने हुए हैं, एक जगह चालू कर दिया, गुजरात विधानसभा के अंदर पास कर दिया, एक डांगर तो फालतू रखोगे तो कमर्शियल लेना पड़ेगा, और अगर जब आपका डांगर सड़क पर आ गया तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी है। आप ये बता दो, अभी तो फिलहाल आदमिया के लाए हैं, फिर गाय के लाए थे, फिर ऊंट के, सूर के, कुत्ते के, बिल्ली के, आपका एक जानवर नहीं छोड़ना, ना बकरी छोड़नी ना भेड़ छोड़नी, क्योंकि अगले चाहते हैं कि आप रोटी के लिए भी, पानी के लिए भी, चलने के लिए भी, आने जाने के लिए भी, हर चीज के लिए इनके ऊपर निर्भर हो जाओगे, तब आपको गुलाम किया जा सकता है, आजाद रहोगे तब तक नहीं कर सकते आपको गुलाम। इसीलिए आज ये साबित करके पूरा ऐलान कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने कि जो देश गुलाम है, डोमिनियन स्टेट है इंग्लैंड का, इंग्लैंड की महारानी के मरने के बाद झंडा झुकाया है, आज सरेआम डिक्लेयर किया है कि आप गुलाम हो। दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए देश का झंडा नहीं झुकता, केवल अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या मौजूदा टाइम पे जो बैठे हो उसके लिए झंडा झुकता है, लेकिन संसद से भी ऊपर है महारानी। आज भी वही चीज है, उसी का शासन चलता है। अगर धारा 147 ठा के देखोगे ना संविधान की, उसके अंदर लिखा हुआ है पीसी के अंदर कि इस देश को आखिर में अगर कहीं भी अटक जाओगे और कानून अगर रास्ता ना मिले तो आपको इंग्लैंड के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आज भी देश के अंदर है। और अब आपको शायद ये मालूम नहीं है, आपका गांव में अगर सरकारी स्कूल है और वो लाल बिल्डिंग हो, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग लाल इंटाड़ी होगी, लाल इट्टाड़ी बिल्डिंग का मतलब है, अरे कोई मास्टर बैठा है नहीं बैठा, मैं बता रहा हूं पूछ लियो, लाल बिल्डिंग वाली का मतलब है कि आपके गांव की वह स्कूल वाली जमीन एसएससी के अंडर आती है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। अगर सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आती है तो इसका मतलब उसके ऊपर लोन ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल करता है मालूम है आपको, वर्ल्ड बैंक को और यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करता है रॉथचाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स। रॉथचाइल्ड कौन है, जो दुनिया भर के बैंक कंट्रोल करता है।
रॉकफेलर कौन है जो पेट्रोल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, वो रॉकफेलर है। जो हरित क्रांति आई थी उसको फंडिंग करने वाला रॉकफेलर फैमिली थी 1977 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। पीवी नरसिंह राव की थी, इंदिरा गांधी की थी, इंदिरा गांधी की होगी, वह नरसिंह राव तो बाद में आया था, ठीक है, उस टाइम पे। बिल गेट्स कौन है जिसके पास दुनिया के सारे बीज संरक्षण में रखे हुए हैं? शायद आपको यह मालूम नहीं है, बीज का नया कानून आ रहा है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि आप ये बीज कहां से खरीद के लाए थे तो 3.5 साल की कैद है, 3 साल तक की अपना बीज नहीं बो पाओगे, ये कानून आने लग रहा। अगर आप लोग नहीं जागे तो जैन न्यूए बड़े रहे ना जाट ब्राह्मण कंबो, इब किसान आंदोलन चल रहा था ना, आड़े कंबोया में पूरी मशहूर थी, तो जट्टा का आंदोलन है, न्यू नहीं बेरा था, तारा भी न्यूए लाइन लागेगी। उस टाइम पे बैम में थे क्योंकि आपको नेताओं ने ऐसे बरगलाया कि यो जात का आंदोलन है। हाँ कि बहुत समझाया करता मैं, मखा यो जाटा का नहीं है, वे खड़े हो गए बस इतना सा है, इसका मतलब यो थोड़ा उनने मोल ले लिया यो कोई आंदोलन है, यू भी उसमें गेल्या था बामणा थोड़ा भी, मारी गेल गुजरा के भी थे। लेकिन नहीं समझ माई कोई बात नहीं, फिर हमने सोचा गामा गामा जाके हमें तीनों कानून समझाए, भाई गरीब भी मरेगा, अर्जुन सा बालक बैठे और ना बैठे हो तो बता दूं कोटे में तक गेहूं काट दिया गया है, अगले टाइम पर राशन और तेल भी काट दिया गया सरसों का, सिर्फ चोल बचे हैं, चोल भी कट जाएंगे थोड़े दिनों में, खाते में पीछे आया करेंगे, जो अगर सब्सिडी आवा है 10-10 पीसे नहीं हुए उनके बेचारे आ गया करेंगे, वो भूखा मर गया। आजकल उन 23 आदत डाल दी मनरेगा के नाम पर, उनका दिहाड़ी करने जी नहीं करता, ठीक है जी, और उनके दिमाग में न्यू भी बैठा रखा कि मारे तो मारा शोषण ही है कर रहे, और मारे दिमाग में बड़का के न्यू बैठा रखा कि मारी रिजर्वेशन वाले खाओ में मारे नाम की नौकरी, यानी आप अपने दुश्मन बना रखे गांव के गांव में ही। तो इब कित फंस गए, मतलब आपके आसपास पूरा जाल तैयार है, अब सिर्फ एक बटन दबाना है उन लोगों को कि डिजिटल करेंसी लेके आनी है, और वो कह चुके हैं ये कि 2022 के एंड तक लाने की पूरी संभावना है। इन बच्चों को देखोगे ना, इन बालका के मोबाइल में पेटीएम है, अगले पेटीएम ते पे करें, और उन्हें बड़े शान की बात मानना है मोबाइल का डेन्यू कर दिया, आपको नहीं पता ही आपके गुलामी का दस्तावेज है जो ये पेटीएम है, नोट नहीं होंगे तो सब बर्बाद है। आपको एक खास बात बताऊं, हालांकि ये बात बतानी नहीं थी लेकिन ये बाद की बात थी, लेकिन जरूरी इतना हो गया कि आज ये पता लगा है मुझे कि डिजिटल करेंसी बहुत फास्ट कर दी है सरकार ने। यो 1 रुपए का नोट की कीमत पता है कितनी है इसकी? कितनी कीमत है इसकी? ये 1 रुपया अकेला ऐसा नोट है जिसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। आप अगर कोई और नोट ठाओगे तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन ये 1 रुपया है जिसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। इस नोट की कीमत उतनी ही है जितनी 1 रुपए के सिक्के की होया करती उस टाइम पे, और 1 रुपए की सिक्के की गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी कीमत है जितनी 7.5 ग्राम 7.25 ग्राम सोने की कीमत है। पता है ये बात आप लोगों को? इन्होंने 1934 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया एक चिट्ठी लिख के, मात्र एक चिट्ठी लिख के, कोई कानून नहीं है उसके ऊपर। इसका मतलब अगर आपके पास पुराना वाला 1 रुपए का सिक्का है तो उसकी कीमत पूरे 7.25 ग्राम सोने के बराबर है, और ये करेंसी है जब तक है, अगर फोन में है तो सिर्फ एक नंबर है, वो डिजिट है, वो नहीं है। अगर आप अपने समाज को बचा सको तो करेंसी से बचा सको, या करेंसी है हमारी और ये करेंसी को खत्म कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ मारी अगली पीढ़ी का, या लड़ाई लड़न लाग रहे हैं कि अगली पीढ़ी कति न्यू गुलामी के कति कगार पे खड़ी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, एक एक चीज आपके पूरी तसल्ली बिठा रखी है, आपकी पूरी तैयारी बिठा रखी है, सिर्फ डिक्लेयर करना है सरकार। आप अभी मानने बैठे हैं सरकार की ताकत बड़ी ताकत होती है, जबकि जनता सरकार मोर्चा का लॉजिक यह है कि सरकार बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। मैं मालिक हूं इस देश का, जनता मालिक है, वो जो वहां बैठे हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं,
वो हमारे नौकर हैं, हमसे तनख्वाह लेते हैं बकायदा ड्यूटी बजाने के नाम के, मालक नहीं है मैं। उनको ताकत हमने दी है कि तुम साइन कर दो हमारी पॉलिसी बना के, लेकिन नहीं पता हमारी नौजवान पीढ़ी को। तो करेंसी भी बचानी, अपने जोड़ भी बचाने, अपने खेत श्यामलात की जमीन भी बचानी, अपने स्कूल भी बचाने, अपनी अगली पीढ़ी भी बचानी, अपने शरीर भी बचाने, अपना समाज भी बचाना, भाईचारा भी बचाना, खेत भी, सब कुछ बचाना है। लेकिन ये बचाने कोई और आदमी नहीं आएगा, ये सोच लेना, इसको आपको ही बचाना पड़ेगा। और ये काम कर सकता है कि बड़े बुजुर्ग हमारे को देंगे अपना ज्ञान, जो उनने तजुर्बा लिया है उसमें से जो ज्ञान आज यूज हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लेंगे, और नौजवान बच्चों की ऊर्जा ये मिलकर तो काम कर लेगी तो आप जीत जाएंगे। और नहीं तो मैंने तो गुलामी सामने नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही मुझे अभी नहीं पता, लेकिन बात करना इसलिए जरूरी था कि मुझे एक चीज का पता था, मैंने आपके साथ अपने देश के लोगों के साथ शेयर नहीं करी तो मैं कसूरवार हो जाऊंगा, इसलिए मैं तो अपना कसूर अपने ऊपर छोड़ के चाल पड़ा। आगे आपकी मर्जी, आप करो ना करो, क्योंकि अगला सवाल यह आएगा करना क्या है। अगला सवाल यह होगा भाई बेरा तो लग गया, खेल बड़ा चल रहा है, करना क्या है? करने के लिए अगर पहला स्टेप देखा जाए, पहला स्टेप यह है सरकारों को सरकार मानना मना करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, पहले तो मालिक मानना बंद करना पड़ेगा सरकारों को। ये एक सरकार की बात नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं किनुकंदे सुन जोते हो कहते भाजपा की सरकार, जित कांग्रेस की सरकार है उड़ भी हो लाग रहा, जित आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां भी वही हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वहां भी वही हो रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे और जो नया बना है मुख्यमंत्री उन वहां भी यही हो रहा है, सेम डिट्टो कत्ते भी कोई फर्क नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और सब तक बुंडा नाश हो रहा है, जित कॉम्युनिस्टा की सरकार है केरल में सबसे ज्यादा नाश हो रहा है उन लग रहा। तो पहले नंबर पर तो यो, और उसका आसान सा तरीका यह है कि जो स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल में बीएलओ के जरिए आधार कार्ड के साथ जोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, ग्राम सभा के अंदर चिट्ठी लिख के एक प्रस्ताव पास करके स्कूल में पकड़ा दो बीएलओ को कि हमारे बच्चे हमारे आधार कार्ड को किसी भी दस्तावेज के साथ ना जोड़ा जाए, पूरे गांव ने प्रस्ताव पास कर दिया है। यह पहला स्टेप है अगर इस पहले नंबर पर तो आधार कार्ड वाला, अगर उनके पास आपके पास अगर हमारे आधार कार्ड का नंबर हो तो वो आधार कार्ड का नंबर इस्तेमाल ना किया जाए, ये फरमान जारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछे बिना आपका आधार कार्ड जोड़न लाग रहे हैं। आपके घर जुकर चिट्ठी आवे थी ना वैक्सीन की, अगला अगली गणे अलग ही कौन थी, लेकिन चिट्ठी घर आ गए थे ना, मैसेज आ गए थे मोबाइल में, वो खेल चल रहा है आपका, आपसे पूछे बिना जोड़न लाग रहे हैं। तो अब पहले नंबर पर तो यो, दूसरे नंबर पर आप अपने गांव में एक बार लिस्ट तैयार कीजिए, कितने बालक हैं, क्यों रह के हैं, मिलके एक बार गांव में घर घर जाके, चाहे दोबारा आना पड़े, एक एक आदमी घर का, गांव घर का एक मानस जरूर होना चाहिए, वो घर से निकल के आए, आके चर्चा में शामिल हो जाए, काम ना करो चाहे कुछ भी, लेकिन पता होना चाहिए कि के चल रहा है बार और आप के करने का प्लान कर रहे हैं गांव के बालक। क्यों जी, नौजवान बालका ने पूरी ट्रेनिंग गांव में ही अवेलेबल करवा देंगे, कोई टिकनिक कितने बार नहीं जाना, आपने कोई फीस नहीं देनी, किसे तो कुछ पैसा नहीं देना, क्योंकि मेरे मिशन का, हमारे जो जनता सरकार मोर्चे के मिशन का यो है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए तो आपको फीस देनी है, गांव के लाभ के लिए आप कुछ भी कदे भी बुलाओगे आपने नहीं मारा, तेल का खर्चा भी देना वो सब कुछ परमात्मा देने लग रहा है, उधर से ले लें, कोई ना कोई बड़ा आदमी आ जा हुआ है तो उधर से आपको वो करना पड़ेगा, गांव के लिए खुद से काम करना पड़ेगा। तीसरा, डिजिटल करेंसी के विरोध में कंप्लीट बहिष्कार आएगा आने वाले टाइम में, जो अपन करना है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं मालूम कि मुझे नहीं पता कि वो कब खड़ा होना पड़ जाए अपने को, लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि हम लोग अगले महीने रोहतक के अंदर एक मीटिंग रख रहे हैं, और उसमें हमने उन लोगों को बुलाया है जो लोग ये समझते हैं कि अपने समाज को बचाने के लिए हमें खुद पहल करनी पड़ेगी, और आपके साथ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र सिर्फ इस देश में नहीं हो रहा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है। आने वाले टाइम की कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
रोबोटिक्स, सीसीटीवी कैमरे, ये जो चल रहा है देश के अंदर, बच्चों को तो अभी किताबें तो है नहीं है किताब पढ़ने के लिए स्कूल के सरकारी बच्चों के पास, और आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने की जल्दी पड़ी हुई है। किसान को उसकी फसल देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, तब तो आप सारे संस्थान बेचने लग रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे को रोड बनाने हैं बड़े बड़े 6 लेन, टैबलेट बांट दिए बच्चों को, टैबलेट का खेल नहीं समझते आप, मोबाइल है ना मोबाइल, मैं वो बात क्या करूं, मैं लिटरली कहता हूं, मेरा बेटा 11वीं क्लास में हो गया अभी, मेरे बच्चे के पास टच स्क्रीन फोन नहीं है आज तक, और आज तक की बात बता रहा हूं, आज तक जब से पैदा हुआ है आज तक मेरे बच्चे ने मेरे फोन का लॉक खोल के नहीं देखा। मैंने उसको एक ही बात बोल रखी है कि अगर सामने एक जहर की पुड़िया रखी हो और एक मोबाइल रखा हो तो बेटा चुपचाप जहर की पुड़िया खा लिए जब मोबाइल ठानने जी कर रहा हो, तो इतनी खतरनाक चीज है ये आपके बच्चों के लिए। क्यों है खतरनाक मैं बताता हूं, जहर की पुड़िया खाओगा तो एक झटके में जानदा रहेगा, उसका तो इतना फर्क है कि एक झटके में गया बालक खत्म, लेकिन अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है उसको समझिए। जब भी हम कोई बढ़िया काम करते हैं और जीतने वाला कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन एक ग्लैंड से रिसीव होने वाला निकलने वाला एक हार्मोन है, वो आपका तब रिलीज होता है जब आप कोई अच्छा काम करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आए, किसी की भलाई का काम करो, जैसे माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको जो अंदर से आनंद महसूस होता है वो वाली फीलिंग जो होती है, वो जो प्रेम के लिए फीलिंग होती है, जो आप लोग जब भी हम फिजिकल वर्क करें, खेल का हुआ या कुछ भी, किसी के लिए भलाई का काम करें, जब हम मोबाइल चलाते हैं, ये बच्चे बैठे हैं सारे लगभग मोबाइल खेलते होंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो मोबाइल पे गेम खेलते होंगे, मोबाइल में सिर्फ 3 टाइप के गेम है बच्चों, समझ लो सिर्फ 3 टाइप के, अगर इससे बाहर का हो तो मैंने बता दियो। पहले टाइप का गेम है जिसमें बंदूक है और हथियार है, आप रोज 20-30-50 मानसा ने मार की सो, क्यों जी आपको पॉइंट मानस मारने के मिला है, ठीक है ना, अंदर से फीलिंग आवा मानस मार गया भाई बढ़िया मानस मारे। दूसरे टाइप के गेम है जिसमें गैम्बलिंग है, जिसमें जुआ है, जिसका प्रमोशन खुद अभी तो बड़े बड़े वो एक्टर भी कर रहे हैं। और तीसरे टाइप के गेम है जिसमें ये है कि ये टास्क पूरा करोगे तो आगे बढ़ने के लिए पॉइंट मिलेंगे, ये टास्क पूरा करोगे तो ये, यानी गुलामी, यो है ना जी, उनके हिसाब से आप काम करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये 3 टाइप के गेम होंगे भाई, इससे ऊपर तो नहीं होगा। जब भी आप ये काम करता है हमारा बच्चा, मान लो उसने पहली बार आपको बोला पापा 5 मिनट के लिए मोबाइल दे दो, तो उसके शरीर से डोपामिन रिलीज होएगा, उसको मजा आएगा 5 मिनट में, अगली बार भी वो बच्चा अगर 5 मिनट ठीक देखता है तो अगली बार मोबाइल देखने से डोपामिन कम रिलीज होएगा, यानी कि उतना ही आनंद लेने के लिए उसको 5 मिनट से ज्यादा देखना पड़ेगा मोबाइल, अगली बार उतना ही आनंद लेने के लिए उसको और ज्यादा देखना पड़ेगा। इसीलिए आपका बच्चा जिसने कभी 10 मिनट के लिए शुरू किया था आज वो 5-5 घंटे तक भी गेम खेल रहा है, पढ़ा पढ़ा अकेला मोबाइल पे वह देख रहा है, स्क्रीन पे देख रहा है, या कोई सीरीज चालू कर दी तो वह सीरीज पूरी होए बिना अपने काम भी नहीं करता, वो डोपामिन ज्यादा देखने से रिलीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने और कोई भी सीरीज देखने से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा और उसको डल डल फील होने लगेगा, जनू जिंदगी खराब होगी, और उस दिन उसके पास एक ही रास्ता बचेगा, नशा। फिर वो बच्चा पक्का नशेड़ी बनेगा आने वाले टाइम में, वो वहां से चालू हो जाता है मोबाइल से, और फिर वो नशेड़ी बनकर सारे घर का और नाश करेगा, जहीं तक कहा करूं पहले दिन अपना अपना खा की पुड़िया निकल लिए, नाश को नहीं करना, ज्यादा कौन पैदा करा तू, और नाश तो आपा नहीं कराया ना, वो मोबाइल तो लिया गया हम नहीं दिया, घर में टेलीविजन लिया के तो हम नहीं दिया, स्मार्ट के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे, और सरकार ने बड़ा गेम खेला है। हम कल परसों जा रहे थे सरकारी स्कूल में, बच्चों को जो टैबलेट मिला है उस टैबलेट पे वह बुढ़िया देखन लाग रही वीडियो, और गेला 2-3 बालक उसके चेनू चिपट रहे उसके नु देखन लाग रहे, तो मैं और सुनील बात करे तो मैं सुनील तो बोला देखिए रे बड़का का नाशकरण करा ही सरकार ने, खूब बढ़िया खोल रहा की, तो सुनील की वाला लाइन मुझे याद है जब नहीं बोला बोला भाई साहब एक बालक बर्बाद हो है ना उसके लिए 5-7-10 हजार सरकार ने सस्ता पड़ा है,
टेबलेट फ्री में देवे, जुड़सी चीज फ्री में आई है ना वह नाश है। बस सीधी सी बात है यार, जो सरकार ने सब्सिडी पे दिया उसका नुकसान ही नुकसान हुआ है आज तक। जो सरकार ने खुद पे करा इसका मतलब वो जो बड़ी लॉबियां हैं वो इसको तय करती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लंबी चर्चा का विषय है, आप लोग इतने लंबे समय के लिए आए भी नहीं थे, लेकिन मैंने एक एक चीज को छूने के प्रयास किया है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आज समझ में आ गई, बीज मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है। अगर आप लोग ये करते हो कि अगली बार भाई जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग पूरे गांव में करेंगे, तो भाई सारे लाख के ना जितने भी साथी हो घर घर जाके चाहे इन्विटेशन दे आना पड़ो, क्योंकि हमारे गांव के आदमी का रोड़ा है। जब चूल्हा न्योंद भी होना किसे का है तो भी न्यू बाट देखे मालक दो बार बुलाने नहीं आवा इतना जाऊं नहीं रोटी खान, ठीक है ना। यह हमारी अपनी कल्चर है भाई, जब आओगा बुलाने जब जाओगे तो भाई आपने जाके चेक कार्ड छपवाना पड़ो, कार्ड आ रहा हो ना, जिन्होंने वो कार्ड आ रहा है कार्ड जाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम का, चाहे आपने कार्ड छपवाना पड़कर गांव का एक एक मानस ने बुला लो, बैठ के चर्चा कर लो, फिर उसके लिए जितने नौजवान आगे आकर अपने गांव ने बचाने के लिए आते हो आप उन्हें ट्रेनिंग देवांगे, समझावांगे पूरा षड्यंत्र। पूरा षड्यंत्र समझने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग रखी हुई है 16-17-18 तारीख की अंबाड़ा में, हमने वोड़ी रहना पड़ेगा जिसने भी करना हो भाई, पूरा षड्यंत्र समझाओगे एक एक चीज। खेती के ऊपर नाश कराया, एजुकेशन के ऊपर कराया, बचेगी के ऊपर उस पर। और आपको अगर ये लगता हो कि आपके बालक चोखे हो जाएंगे गांव के ही, तो अगली मीटिंग के बाद गांव में ही रख देंगे आपके गांव में, कितने जाने की जरूरत नहीं। आगे फिर जो रोज तकाली मीटिंग है उसकी तैयारी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने लोग समझने वाले हैं अगर वो सारे बच्चे उसमें शिरकत करेंगे तो ताकत आएगी, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और उन लोगों का पता चलेगा, सरकार को मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे, आप खड़े होकर विरोध करांगे, न्यू अपने बालकों ने गुलाम होने नहीं देख सकते। इस उम्मीद में कि आप इकट्ठे आके अपने बालकान बचाओगे, मैं अपनी बात आज अभी यहीं खत्म करूंगा। कुछ मुंह तक गलत निकल गया हो जबान से तो उसके लिए माफी, लेकिन मुझे लगता है बिना करे नहीं होगा और करने के लिए अपने को घरों से निकलना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं पिछले 6-7 साल से 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक, आज भी सुबह 6 बजे निकले थे घर से और अभी तक लगे हुए हैं, और अभी वापस जाना है क्योंकि कल मेरे बेटे का टूर्नामेंट है, कल फिर मैंने झज्जर में मीटिंग रख लिया है और परमानेंट इसी काम पर लगे हुए हैं। हमने नहीं पता इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई अपना आज का 100% दे दिया हमने, नहीं बेरा तो गाम राम के हाथ में बोल आपकी कोर्ट में है, आपने लागे आगे बढ़ना है तो साथ आओ, इन बालका का साथ दो, आपका गांव आपका समस्या आप ही के पास समाधान है। समाधान कैसे होगा वो बता देंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट है, बाकी करना आप लोगों ने है, और कोई बाहर का आदमी नहीं आओगा। और जब कोई आके न्यू कहवा है कि हम करांगे तो न्यू समझ लियो फ्रॉड है, सीधी सी बात है, अपना इतना ही फंडा है, आप यो नहीं कहते। जय हिंद जय भारत।